नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और आज हम बात करेंगे बोधगया ब्लास्ट की। जी हां, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है बोधगया ब्लास्ट से जुड़ी हुई। 7 जुलाई 2013 का बोधगया ब्लास्ट का मामला है जिसमें कोर्ट ने आज पाँचों दोषियों को सजा सुना दी है। जी हाँ, बोधगया ब्लास्ट केस में पाँचों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ में 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बोधगया मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को पांचों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। गुरुवार को इस मामले में दोनों पक्षों की तरह से बहस हुई थी। एनआईए के वकील ने बताया कि आतंकी लोगों की हत्या करने की योजना बना रहे थे, कई बड़े लोग उनके निशाने पर थे। बता दें कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया मंदिर और उसके आसपास 9 ब्लास्ट हुए थे। इनमें बौद्ध भिक्षु समेत 5 लोग जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंचायती टाइम। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का घंटा क्लिक करना जरूर ना भूलें ताकि हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।